अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फहद अज़ीज़। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज़ बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मूवीज़ विच एवरी एस्पिरेंट मस्ट वॉच। दीज आर ऑल टाइम फेवरेट मूवीज ऑफ माइन, बट दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट मूवीज एवर मेड इन सिनेमा हिस्ट्री। दीज मूवीज विल teach a CSS aspirant or provide a CSS aspirant knowledge, experience, exposure, wisdom, analytical skills, critical thinking, creative thinking, analogies, understanding of the world, of the events, of the history, and visual images, visual content, so that you can build a world of your own. For example, in imagination, while you are reading anything, while you are covering or studying any CSS topic. So I'll tell you in this video how these videos will help you in getting most of the skills, ideas, tips from these videos, from these movies. So the first movie which I want to recommend is 12 Angry Men. This is considered one of the finest movies. You can see the IMDb and other ratings. This movie is based on a jury that is deciding a murder, or a jury 40-50 saal aisi ek team hoti thi लोगों की, जो डिसाइड करती थी कि कोई केस कितना ट्रुथ पे बेस्ड है, कितना फैक्चुअल है। सो ये ज्यूरी एक टीम होती थी जो कि एक फैसला देती थी किसी केस का। तो इसमें 10-12 लोग होते थे, और ये मूवी क्योंकि 1957 की है तो इसमें भी एक ज्यूरी को, जिसमें 12 लोग होते हैं, उनको एक केस दिया जाता है जिसमें एक बच्चे के ऊपर, 18-year-old के ऊपर एक इल्ज़ाम होता है कि उसने अपने फादर का मर्डर किया होता है। और 12 में से 11 ज्यूरर्स जो होते हैं वो कन्विंस्ड होते हैं कि बच्चे ने मर्डर किया है अपने फादर का बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। लेकिन एक ज्यूरर हेनरी फोंडा जो है वो समझते हैं कि ये उसने मर्डर नहीं किया होता। तो फिर ये कन्विंस करता है बाकी ज्यूरर्स को, और फिर आप देखिएगा मूवीज़ के किस तरह डिसीजन मेकिंग होती है, किस तरह प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स भी सामने आते हैं ज्यूरर्स के। किस तरह से ये बंदा कन्विंस करता है, परसुएड करता है, विच वी डू इन दी सीएसएस एसे और इन एनी क्वेश्चन आंसरिंग एनी क्वेश्चन। और एनालिटिकल थिंकिंग भी देखेंगे इस मूवी में आप देखेंगे कि प्रोसेस, थिंकिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे सोसाइटी में आप लोगों को चेंज कर सकते, नेगोशिएट कर सकते, बिहेवियर बदल सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते। इसमें हज़ारों चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दिस मूवी। आई वांट यू टू आल्सो वॉच दिस मूवी इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। द नेक्स्ट मूवी इज़ जजमेंट एंड नीरनबर्ग। दिस मूवी इज़ a recommended movie for international law students, but other CSS aspirants may also must also watch this because ye movie to Nuremberg mein jo trials hue the German war criminals ke khilaf usko ye try karte hain, lekin uske sath sath ye ek reasoning, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग के को भी इंस्पायर करते हैं, आपको फोर्स करते हैं सोचने
पे मजबूर करते हैं, आपको फैक्स मिलते हैं, एक कोर्ट रूम ड्रामा जो इसमें आपको नज़र आता है इस पूरी मूवी में, फिर सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, लॉबिंग कैसे होती है, और फिर पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे असर करती है नूरनबर्ग ट्रायल्स को। दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत सीखने को यहाँ से मिलेगा, और इसमें आपको इंटरनेशनल लॉ की भी अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज़ नूरनबर्ग ट्रायल्स, नूरनबर्ग ट्रिब्यूनल्स और टोक्यो ट्रिब्यूनल्स आर प्रोवाइडेड लॉज एंड प्रोविजंस फॉर इंटरनेशनल लॉ, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा इंटरनेशनल लॉ में। अदरवाइज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी हिस्टोरिकल इवेंट्स के हवाले से, वर्ल्ड वॉर टू के हवाले से, होलोकॉस्ट की भी फर्स्ट टाइम इमेजेस इसी मूवी में सिनेमा में दिखाई गई थी, सो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट वॉच मूवी। फिर दी एम मूवी एम इज़ डायरेक्टेड बाय फ्रिट्ज़ लैंग, और ये मुझे रिकमेंड की थी अनुराग कश्यप ने, वो यूजुअली मेक्स क्रिमिनल मूवी, क्राइम मूवीज़ ऑन क्राइम्स, और ये ब्लैक एंड वाइट मूवी है, जर्मन मूवी है, एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साउंड मूवी, आई थिंक इट्स द फर्स्ट साउंड मूवी एवर प्रोड्यूस्ड, बट इट इज इट हैज़ डन इंटेलिजेंट साउंड एंड विजुअल वर्क। इसमें डायलॉग्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे सबटाइटल्स की सूरत में, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है, विजुअल स्टोरी टेलिंग ज़्यादा है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन असल जो मूवी का फ़ायदा मज़ा ये है कि जजमेंट एंड नूरनबर्ग ट्रायल की तरह ये मूवी भी आपको डिलेमा देती है, फिर आप खुद डिसाइड करते हैं द फेट ऑफ द क्रिमिनल, और ये क्रिमिनल इस क्रिमिनल के ऊपर इसने बेस्ड है ये मूवी, और ये एक रेपिस्ट होता है, चाइल्ड रेपिस्ट होता है, और ये मर्डर भी करता है चिल्ड्रन को, फिर ये खुद बताता है कि ये क्यों करता है, और फिर सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, मीडिया किस तरह से एक रोल प्ले करती है, वो सारा इसमें दिखाया गया है। दिस मूवी इज़ कंसिडर्ड एज दी फाउंडेशन फॉर एनी मूवी ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन क्राइम एंड थ्रिलर, ऑन साइक थ्रिलर, तो मैं समझता हूँ कि ये आप देखेंगे तो आपको आपको सोचने पे मजबूर कर देगी ये मूवी, और हमारे पाकिस्तान में भी जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो रेप इंसिडेंट्स या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें भी आपको फिर पता चलेगा कि सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी। इस मूवी के ऊपर, एम मूवी के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, और ऑन GVS ग्लोबल विलेज स्पेस पे आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें आपको मज़ीद मेरा ओपिनियन पता चलेगा कि ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। फिर ग्रीन जोन मूवी जो है वो इराक वॉर के ऊपर है, इन पिक्चर्स के ऊपर ऑलरेडी ये मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, अनफॉर्चुनेटली इट डिडेंट रिकॉर्ड, इट डिडेंट एंड अप इन माय आईपैड, सो आई एम अगेन डूइंग दैट। फिर ये ग्रीन जोन जो मूवी है ये इराक वॉर के ऊपर है, आपको उसमें डिसीजन मेकिंग भी पता चलेगी, US की फॉरेन पॉलिसी भी पता चलेगी, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पता चलेगी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इसकी पता चलेगी कि किस वजह से अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया, और इस अटैक का जो नतीजा था वो क्या था, वाकई ये अटैक लीगल था, एलिजिबल था या नहीं, और इस मूवी में आप काफ़ी कुछ जान पाते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में और US इन्वेजन ऑफ इराक के बारे में, सो प्लीज़ वॉच इट। और एंड दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ बुक, एम्पीरियल लाइफ इन एमरल्ड सिटी, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, सो यू कैन गेट द ग्रेस्प ऑफ द बुक फ्रॉम दिस मूवी, बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू इज़ माई फेवरेट जॉनरा,
फॉर मूवीज़, इस वजह से काफ़ी मूवीज़ आपको वर्ल्ड वॉर टू में की मिलेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ वर्ल्ड वॉर टू इतना बड़ा इवेंट था कि आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ भी बनी हुई हैं जिससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री भी बढ़ती है। सो यू शुड वॉच इट, एंड यू नो इट इज़ डायरेक्टेड प्रोड्यूस्ड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन हिस्ट्री। फिर ये शिंडलर्स लिस्ट एक मूवी है जो कि ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और इसमें एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो सेव करता है ज्यूज़ को उन एम्प्लॉय करके नाजी रिजीम से, होलोकॉस्ट से बचाता है, और वो असल में भी 2-3 हज़ार लोगों को इस तरीके से बचाता है। इसमें आप देखते हैं कि लॉबिंग कैसे होती है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कैसे होती है, इंटेलिजेंट और डिसीजंस कैसे ली जाती हैं। फिर वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री और होलोकॉस्ट की हिस्ट्री भी आपको उसमें पता चलती है। सो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर कैंडिडेट्स ऑफ CSS। दिस इज़ अगेन वर्ल्ड वॉर टू मूवी, इट्स कॉल्ड द पियानिस्ट। लाइक द प्रीवियस मूवी, इट हैज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल म्यूजिक, और ये मूवी एक पोलिश म्यूजिक म्यूजिशियन पे बेस्ड है, पियानिस्ट पे बेस्ड है, जो अपने पियानो को यूज़ करके, अपनी स्किल्स को यूज़ करके जर्मन से बचता है, और फिर पूरी स्ट्रगल जो है उसकी, एस्केप की स्ट्रगल होती है, और देखें कि ये किस तरह स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी जो है वो बचाता है, सर्वाइव कैसे करता है। हमारी ज़िंदगी में भी जो हम CSS की खास करके प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते, तो मैं समझता हूँ कि आप ये मूवी देखेंगे तो आपके अंदर वो जज्बा आएगा कि आप भी मेहनत कर सकते हैं। जब इतनी मुश्किल मुश्किल लोगों की ज़िंदगी में इवेंट्स आए और उनको उन्होंने फेस किया, डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज किया, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी CSS की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन मूवीज़ को से इंस्पिरेशन लेके। एनिमीज़ एट द गेट इज़ ऑल्सो स्ट्रगल ऑफ अ स्नाइपर हु फाइट्स जर्मन्स, बिकॉज ही इज़ ए सोवियट स्नाइपर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, और दिस मूवी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट टू बी वॉच्ड बाय CSS कैंडिडेट्स। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन वी हैव स्लम डॉग मिलियनेयर, दिस इज़ द फर्स्ट मूवी आई एम रिकमेंडिंग यू फ्रॉम बॉलीवुड, बट दिस इज़ डायरेक्टेड बाय डेनी बॉयल, और इस मूवी को मेरे ख्याल से 2-3 ऑस्कर्स मिल चुके हैं ए आर रहमान को फॉर इट्स म्यूज़िक, और आई थिंक इस मूवी को भी मिल चुका है आई मीन ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। एंड ये मूवी एक स्लम में रहने वाले बच्चे के ऊपर है। इसमें आपको बताते हैं कि किस तरह बच्चों को स्ट्रीट चाइल्ड को यूज़ करके माफिया जो है क्राइम्स में इन्वॉल्व करवाती है, और भीख मांगने वाली जो माफिया है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ड्रॉ की है इस मूवी से, जो लर्न किया है, वो कॉन्सेप्ट है कनेक्टिंग द डॉट्स वाला, और वो कॉन्सेप्ट है स्टीव जॉब्स का, जो उसने स्टैनफोर्ड की अपनी स्पीच में दिया था, जिसमें उसने कहा था कि ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको वो डॉट्स बोलता है, और वो इवेंट्स आपके आ, आ, आपकी आगे की ज़िंदगी में काम आते हैं, और वो बेसिस बनते हैं आपकी सक्सेस का। तो हमारी जो CSS का जो एग्ज़ाम है वो भी
एक लाइफ का एग्ज़ाम है, इट्स नॉट जस्ट एग्ज़ाम ऑफ बुक्स बट इट इज़ एग्ज़ाम ऑफ लाइफ, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्पिटेंसीज आपकी चेक होती हैं, मुख्तलिफ़ आपके एक्सपीरियंसेस, आपका एक्सपोजर, तो ये सारी मूवीज़ आपको वो सारी चीज़ें देंगी। लेकिन ये मूवी से आप सीखेंगे कि किस तरह ये बच्चा जो है वो मिलियनेयर बनता है एक शो में विच इज़ कॉल्ड हू वांट्स टू बी मिलियनेयर, या कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें वो किस तरह से आंसर्स दे पाता है बिकॉज़ ही हैज़ गेंड एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज लाइफ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी हम जो करते हैं वो फिर हमारे एग्ज़ाम्स में, CSS के पेपर्स में हमें काम आती हैं। तो ये जब आप अवेयर होंगे इस चीज़, इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बिकॉज़ यू आर ओपन, यू आर क्रिएटिव, यू ड्रॉ मेनी आइडियाज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टू गेट सक्सेस। ओके जी, दी फाउंडर इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, और इसमें मैकडोनल्ड्स की पूरी कहानी है कि किस तरह मैकडोनल्ड्स बना शुरू से लेके आखिर तक, किस तरह उसने एक्सपेंड किया और ग्लोबल जायंट कैसे बना, और इसमें प्रोसेसेस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोसेसेस के बारे में दिखाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप भी अच्छे से प्लान कर पाएँ और अपनी जो भी बिज़नेस है या ऑर्गेनाइजेशन है या इवन CSS की प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसका अच्छे से अच्छा प्रोसेस बना के आप कामयाब हो सकें। सो दिस मूवी शुड बी वॉच बाय CSS कैंडिडेट्स। अनवर इज़ अ मूवी इज़ बेसिकली अ लव स्टोरी, और उसी से फ़ायदा होता है, मतलब लव स्टोरी ही मैं चाहता हूँ कि आप उसकी ज़्यादा गौर से देखें। ये मूवी जो है इसमें एक मुस्लिम, मिडिल क्लास मुस्लिम को हिंदू रेडिकल्स, हिंदुत्वा को मानने वाले टेररिस्ट करार देते हैं। दिस मुस्लिम इज़ एन इनोसेंट पर्सन बट पॉलिटिक्स की वजह से वो उसको वो कर देते हैं। लेकिन ये इस मूवी में जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है वो आप स्किप कर सकते, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है मूवी, और सो यू कैन ईज़िली स्किप फॉरवर्ड द पॉलिटिकल पार्ट, बट असल में आपको देखनी है लव स्टोरी। लव स्टोरी इसलिए क्योंकि इस लव स्टोरी से आपको बहुत सारी एनर्जीज़ आप ड्रॉ कर सकते, जो लव स्टोरी है उसकी कॉन्क्लूजन्स आप ज़्यादा ड्रॉ कर सकते। तो इससे यह होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, आपका जहन खुलेगा और आप बहुत अच्छे से अपने ब्रेन को यूज़ कर सकेंगे कोई भी एनालिसिस ड्रॉ करने के लिए। सो ये सारी मूवीज़ हैं जिससे आप जिसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अनवर के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप इसको यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, शेमरू के चैनल पे, इट्स अपलोडेड ऑन टू पार्ट्स, मतलब पार्ट्स नहीं बल्कि शेमरू के चैनल पे दो बार ये अपलोडेड है, लेकिन एक जो इसकी अपलोडेड है उसके नीचे एक कमेंट मौजूद है जो कि मैं चाहता हूँ आप मूवी देखने के बाद देखें, पढ़ें, और जो जो आपने मूवी देखी होगी और उसका एनालिसिस आपने किया होगा खुद उस लव स्टोरी का, फिर आप जब ये कमेंट पढ़ेंगे तो फिर आपका दिमाग खुलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये मूवी असल क्या है और इस मूवी से आप कितने कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ कर सकते आप अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में कभी उससे ड्रॉ कर सकते कॉन्क्लूजन। सो दिस विल हेल्प यू बिल्ड क्रिटिकल
thinking skills, which are very important for CSS, of course. Again, we have World War II movie, और ये मूवी बहुत हाई क्लास की मूवी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है. आई वॉच दिस इन सिनेमा, और उसमें ये एक अलग एक्सपीरियंस था इस मूवी को देखने का. आप उसका बजट देख लें, कितनी हद तक इस पे मेहनत की गई है, आप वो भी देख लें कि किस तरह से बनाई गई है. बिकॉज इट्स डायरेक्टेड आल्सो फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, जिसने डार्क नाइट बनाई थी. सो डंकर्क एक ऐसी मूवी है जो रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और इस मूवी में दिखाया गया है कि बर्तानिया ने अपने सोल्जर्स जो डंकर्क में फंसे हुए थे, यानी फ्रांस में फंसे हुए थे, एंड दोज वर सराउंडेड बाय जर्मन्स, उसको कैसे इवैक्यूएट किया. सो इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट्स अबाउट हाउ यू डिसाइड, और स्ट्रगल आप कैसे करते हैं, सेक्रीफाइस कैसे करते हैं. सो फिर इस मूवी का जो इतनी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी है, हाई क्वालिटी है, तो आप भी फिर कोशिश करते हैं कि आप भी हाई क्वालिटी स्टफ़ प्रोड्यूस करें, आप भी बहुत अच्छा लिखें, अच्छा आप पढ़ें. सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी. देन देयर इज़ हैक्सॉ रिज, ये भी वर्ल्ड वॉर टू की मूवी है, और दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. एक मेडिक के ऊपर ये बेस्ड है, जो अपने साथियों की जान बचाता है, सेक्रीफाइसेस देता है, बहुत स्ट्रगल करता है. सो इससे भी आपको सेक्रीफाइस करने का, मेहनत करने का, अपने मुल्क के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ सच्चा रहने का, अपने मिशन के साथ सच्चा रहने का आपको जज्बा देता है, और आप फिर अच्छे से CSS की प्रिपरेशन भी कर पाते हैं. वैसे ये मूवी आपको नॉलेज भी बहुत देती है. सो दिस इज़ आल्सो अ गुड मूवी. फिर ये मूवी वो तो ज़रूर देखें जिन्होंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया है. दिस मूवी इज़ कॉल्ड अ ब्यूटिफुल माइंड. दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ जॉन नाश, जिसने नोबल प्राइज़ जीता था इकोनॉमिक्स ने. इसने थेरीज दी थी, और इस मूवी में और रियल लाइफ में भी ये स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होता है, इसकी ट्रीटमेंट होती है. इसमें दिखाया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया के कौन से सिम्टम्स होते हैं, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन्स किस तरह आते हैं, और ये फिर किस तरह से स्ट्रगल करता है. क्रिएटिव लोग जो भी हैं उनके ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो चाहे माइल्ड हो या सिवियर हो, तो ये मूवी आपको बहुत एक इंस्पिरेशन देती है कि despite all the odds, despite all the difficulties, mental stress which we face during CSS preparation, aap bahut acha perform kar sakte hain, and you can do magic. So please watch this movie. Rang De Basanti movie isliye main chahta hu aap dekhein kyunki ek to inspiration to milti hai jo bhi main recommend kar raha hu aapko us movie se, lekin is movie mein aapko मेंटल इमेजेस भी देती है. ये सब कॉन्टिनेंट की फ्रीडम फाइट में, हम जो फ्रीडम फाइट पढ़ रहे वो पीसफुल है तकरीबन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, लेकिन एक पैरेलल जो थी स्ट्रगल वो भी चल रही थी, और वो फ्रीडम फाइटर्स कर रहे थे एग्जीक्यूट, जिसमें एक बड़ा नाम है सिंह, भगत सिंह का, हु इज़ फ्रॉम लाहौर. और ये मूवी, मतलब इस मूवी का एक पार्ट उस हिस्टोरिकल सिनेरियो को दिखाता है. सो यू गेट टू लर्न व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडो पाक मोमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें आपको फिर मज़ीद इंटरेस्ट होता है कि आप पढ़ें प्री पार्टीशन, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, स्किप करते हैं. सो ये मूवी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बेस्ट है.
फिर ये क्योंकि इसमें करंट भी इश्यूज़ बताते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी बताते हैं करप्शन के हवाले से, और फिर एक्टिविज्म वॉलेंटियरिज्म के हवाले से, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। देन अगेन देयर इज़ अ मूवी ऑन इंडो पाक हिस्ट्री, दिस इज़ बेस्ड ऑन गांधीज़ लाइफ, और इस मूवी ये एक ये हॉलीवुड का वर्जन है, बॉलीवुड का वर्जन भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, वो मैंने नहीं देखा, आई विल वॉच इट, बट ये जो मैंने देखा है दिस इज़ फाइनेस्ट वन, और इसको आप ज़रूर देखें। गांधी की लाइफ बायोग्राफी वैसे ही हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप बायोग्राफी पढ़ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ ये मूवी वॉच करें, इससे आपको पाक अफेयर्स में तो फ़ायदा मिलेगा, वैसे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको स्ट्रगल करने की आप और पॉलिटिक्स का आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा किस तरह से ये सब कॉन्टिनेंट जो है उसकी हिस्ट्री इवॉल्व हुई, और इंडिपेंडेंस कैसे इसने अचीव की, गांधी की अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल्स थी उसके बारे में पता चलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, प्लीज़ वॉच इट। फिर CSS कैंडिडेट्स को दी मूवी ऑन आ फाउंडिंग फादर ज़रूर देखनी चाहिए, एंड दैट्स कॉल्ड जिना, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज़ इट्स ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडो पाक हिस्ट्री, और वैसे भी हमें हमारे फाउंडिंग फादर के बारे में जानना चाहिए, ही वॉज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एक बुक है आयशा जलाल का दी सोल स्पोक्स पर्सन, वो भी पढ़ना चाहिए हमें। सो शाहिद इज़ अ मूवी फ्रॉम हॉलीवुड अगेन, और सॉरी बॉलीवुड, और ये शाहिद अजीमी आज़मी एक लॉयर था, मुस्लिम लॉयर था, जिसने बहुत स्ट्रगल करके लॉयर बना, वो प्रिपरेशन करता है एग्ज़ाम्स की, और उससे पहले वो जेल में जाता है बिकॉज़ ही वाज अ मुस्लिम, और वो देखता है कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, तो उसी से इंस्पिरेशन लेके ये लॉयर बनता है। फिर उस लॉयर बनने के बाद भी ये फिर मुसलमानों की मदद करता है। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स ट्रू स्टोरी, तो आपको बहुत इंस्पायर करेगी ये मूवी स्ट्रगल करने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, या मीन ह्यूमैनिटी के लिए। फिर ये किस तरह से इसको टारगेट किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनुराग कश्यप, हु इज़ वन ऑफ़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो आप इसको ज़रूर देखें, आपको ज़रूर इसमें से नॉलेज भी मिलेगी और अंडरस्टैंडिंग होगी इंडियन सोसाइटी के बारे में, और इंस्पिरेशन भी मिलेगी। वी आर कमिंग टू द एंड, सो दिल्ली क्राइम इज़ अ सीरीज़ जो मैं चाहता हूँ आप देखें। दिल्ली क्राइम इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स बिकॉज़ इट्स ओरिजिनल नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन, और ये दिल्ली क्राइम 2012 में एक रेप गैंग रेप हुआ था एक मेडिकल स्टूडेंट का, शी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, शी यूज़ टू लिव इन स्लम, और फिर इस रेप इवेंट के बाद दिल्ली और इवन पूरा इंडिया जो है वो जागा था, बहुत एक्टिविज़म पैदा हुई थी, लॉज भी न्यू बने थे, और इस इवेंट ने पूरी इंडिया को चेंज कर दिया था। लेकिन इस जो सीरीज़ है दिल्ली क्राइम, इस सीरीज़ में आपको ये सीखने को मिलता है कि सोसाइटी किस तरह काम करती है, मीडिया किस तरह काम करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह करती है, इदारे किस तरह काम करते। आप जब पुलिस ज्वाइन करेंगे इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन पुलिस या आई मीन किसी भी इदारे में, तो फिर आप किस तरह से एज एन ऑफिसर काम करेंगे। दिस वुमेन हैज़ डन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, और इससे भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप फिर आपको दिल चाहेगा कि आप भी ऑफिसर बने, पुलिस ऑफिसर बने, और आप भी इसकी जैसे डिसीजन मेकिंग करें, लॉजिकल
थिंकिंग करें और लॉजिकल डिसीजंस लें। सो और फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से की गई है, यानी पुलिस का जो एक प्योर इन्वेस्टिगेटिव मेथड है जो क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स को के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो इसमें दिखाया गया है। आई एम नॉट एन स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बट ये मूवी फिर भी मेरी फेवरेट है, सॉरी सीरीज़। सो यू मस्ट वॉच इट। इसमें आप बहुत सारी पॉलिटिक्स, मीडिया, सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। फिर मंगल पांडे 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से है, और इसमें आपको जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती है उससे आप इंडो पाक के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आसानी से, स्पेशली दिस टॉपिक, आप आसानी से समझ पाते हैं, उसको इमेजिन कर पाते हैं। आई ऑलवेज टेल के विजुअल मेमोरी जो है वो बेस्ट मेमोरी है, बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है, तो आप उसको यूज़ करें विजुअल कंटेंट को कोई भी टॉपिक समझने के लिए। सो इसमें भी आपको इंडिपेंडेंस के हवाले से और इंडियन पॉलिटिक्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कंट्रोवर्शियल कार्ट्रिजेस के बारे में, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत इशू बने थे, एंड दोज वर वन ऑफ द रीजंस ऑफ 1857 वॉर। सो डिटेल्स भी मिलती हैं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भी आपको इस दौर की इंफॉर्मेशन मिलती है इस मूवी में। एंड वी ऑफ कोर्स हैव अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ आमिर खान, तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इस मूवी से। ऑपरेशन मिडवे में आपको CSS की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत मदद मिलेगी, चाहे CSS की प्रिपरेशन हो या एग्ज़ाम हो, आपको हर वक्त डिसीजंस लेनी होती हैं, आपको अडाप्ट करना पड़ता है, और इस मूवी में ये चीज़ें आपको सिखाती है, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन बैटल ऑफ मिडवे, दैट वाज वन ऑफ द की इवेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। इट डिफाइंड द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पैसिफिक ओशन में ये हुई थी, नेवल फाइट हुई थी, एयर फाइट हुई थी, और इस मूवी में बहुत अच्छे विजुअल्स भी हैं, और इसमें बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग से बताया गया है कि किस तरह से जापान और US ने क्लैश किया था पैसिफिक ने में, और पर्ल हार्बर के बाद ये इवेंट हुआ था, और दोनों तरफ से किस तरह सेक्रीफाइसेस दी इनके सोल्जर्स ने, इनके नेवल ऑफिसर्स ने, इनके लोगों ने। सो आई थिंक आपको इससे ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी फिर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। जब भी आप डीमोटिवेट हों तो ये मूवी ज़रूर आप देखें, इससे आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन का स्टफ मिलेगा। और लास्टली एक मूवी है सेक्शन 375। सेक्शन 375 मूवी भी एक रेप केस के ऊपर है, और दिस इज़ दी ओनली आई थिंक गुड कोर्ट रूम ड्रामा मूवी फ्रॉम बॉलीवुड। और बॉलीवुड की मूवीज़ में ज़्यादा नहीं देखता, बट मैं ज़्यादातर आर्ट मूवीज़ देखता हूँ, बॉलीवुड की पैरेलल सिनेमा भी जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको फूड फॉर ब्रेन मिलता है, सोचने का मौका देती है फिल्म, वो होती है। रेयर मूवीज़ हैं, लोग उसको नहीं देखते, कमर्शलाइजेशन नहीं होती तो ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं होती, शायद इसी वजह से जो मैंने बॉलीवुड की मूवीज़ बताई हैं उनका नाम आपने ना सुना हो। आर्ट मूवीज़ आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलेगा, बिकॉज ओपन एंडेड मूवीज़ होती हैं, आप खुद ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स। सो आप फिर जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आपकी एनालिटिकल रीजनिंग बढ़ेगी। सो सेक्शन 35 भी रेप केस के ऊपर है, और इसमें देखें कि किस तरह से दिस लॉयर अक्षय खन्ना मेक्स आर्ग्यूमेंट्स, और वो किस तरह से कोर्ट को कन्विंस करता है एक
रेप अक्यूज्ड के हक़ में फैसला, सॉरी हक़ में तो फैसला नहीं होता, बट आई एम अफ्रेड आई वुड गिव यू स्पॉयलर्स, सो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस मूवी के बारे में, लेकिन इसमें मिसयूज़ ऑफ लॉज के बारे में बताया गया है, वो लॉज जो 2012 के बाद आए थे, जो मैंने आपको बताया रेप केस 2012 वाला दिल्ली रेप केस, तो वो उसके नतीजे में जो एक लॉ आया था उस लॉ का मिसयूज़ भी इसमें दिखाया गया है, और फिर हमारी ज़िंदगी में भी किस तरह से लॉज को मिसयूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स को ये ज़रूर मूवी देखनी चाहिए, और वैसे भी एनालिटिकल रीजनिंग करनी है आपने तो फिर प्लीज़ ये मूवी आप ज़रूर वॉच करें, और बाकी मूवीज़ भी आप ज़रूर वॉच करें, इससे आई गारंटी यू कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, दीज मूवीज़ हैज़ डिफाइंड माई स्किल्स, और वो स्किल्स ये हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, आई थिंक दीज स्किल्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर CSS, आपके पास ये जब स्किल्स आएंगे तो CSS आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज़ एग्जामिनर्स और FPSC और दी स्टेट वांट्स कैंडिडेट्स हु हैव दी कॉम्पिटेंसीज इन दीज स्किल्स, और वो आप में नहीं होंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा CSS पास करना। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल डेवलपिंग दीज स्किल्स, बट इट्स 100% शो फॉर मी दैट दीज मूवीज़ हैव रियली हेल्प मी अलॉट इन माई CSS प्रिपरेशन। CSS प्रिपरेशन सिर्फ सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, सो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें, इन मूवीज़ को देखें, फिर आप ख़ुद को आप फिर सोचें, रिफ़्लेक्ट करें, विच इज़ ऑल वांटेड इन CSS पेपर्स, पर्टिकुलरली इन SA, सो आपको ये मूवीज सोचने पे मजबूर करेंगी, एंड दैट्स इट, थैंक यू।